हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि TIA पोर्टल प्रोजेक्ट के अंदर एक ऑन डिले टाइमर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। इसके लिए मैंने TIA पोर्टल के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो इसमें मेन ब्लॉक के नेटवर्क वन में मैं एक ऑन डिले टाइमर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ऑन डिले टाइमर को स्टार्ट करने के लिए उसकी कंडीशन के रूप में मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज़ कर रहा हूँ। ऑन डिले टाइमर हमें बेसिक इंस्ट्रक्शन के टाइमर ऑपरेशंस में मिल जाएगा। इसमें से TON इंस्ट्रक्शन को उठा के हम अपनी लाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। दोस्तों, TIA के अंदर टाइमर हमारा एक स्टैंडर्ड फंक्शन ब्लॉक होता है, तो उसके लिए सिस्टम एक इंस्टेंस डेटा ब्लॉक को क्रिएट कर लेगा। इसके लिए कॉल ऑप्शन पॉपअप ओपन होगा, जिसमें हमें डेटा ब्लॉक का नाम और डेटा ब्लॉक का नंबर हम मैन्युअली भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। ऑटोमेटिकली जनरेटेड नेम और नंबर को भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, सिर्फ हमें ओके क्लिक करना है। टाइमर के PT इनपुट पे हमें जितना डिले टाइम रिक्वायर्ड है वो हम डाल देंगे। यहाँ मैं 5000 मिली सेकेंड डाल रहा हूँ। टाइमर का ET आउटपुट हमें इलेप्स टाइम के बारे में बताएगा। यहाँ हम कोई रजिस्टर का एड्रेस भी डाल सकते हैं अगर हमें टाइमर का टाइम रजिस्टर में सेव कराना है तो। डिले टाइम कंप्लीट होने के बाद टाइमर का Q आउटपुट हाई हो जाएगा। तो टाइमर के ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए मैं Q आउटपुट पे एक कॉइल एलिमेंट लगा रहा हूँ। इतना करने के बाद हमें इस ब्लॉक को PLC में डाउनलोड कर देना है और प्रोग्राम के स्टेटस को देखने के लिए हम ये आई ग्लास आइकन मॉनिटरिंग ऑन ऑफ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही इन इनपुट पे हमें हाई पल्स मिलेगी तो टाइमर हमारा स्टार्ट हो जाएगा और ET आउटपुट पे हमें टाइमर की रनिंग वैल्यू हमें दिखेगी। तो जैसे ही टाइमर का इलेप्स टाइम हमारे डिले टाइम जो हमने PT में प्रोग्राम किया था उसके इक्वल होता है तो Q आउटपुट हमारा हाई हो जाएगा। इन इनपुट पे जैसे ही सप्लाई ब्रेक होगी तो हमारा टाइमर रीसेट हो जाएगा और अगली बार सप्लाई देने पे फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम इलेप्स टाइम के PT के इक्वल होने से पहले ही सप्लाई को ब्रेक कर देते हैं तो भी टाइमर हमारा रीसेट हो जाएगा। धन्यवाद।